दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ निकला है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। यहाँ पे दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ का जो वैकेंसी सब निकला है और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वार्ड मास्टर का पोस्ट है, 4 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे क्लास XII जो आपका 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आपका टोटल 20 पोस्ट है। यहाँ पे प्लस टू साइंस यहाँ पे बोला है, प्लस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में मिनिमम 2 साल का आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका जो डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल मैकेनिक डेंटल टेक्नीशियन में यहाँ पे आपका 3 पोस्ट है। यहाँ पे प्लस टू साइंस के बाद डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक या डेंटल साइंस में अगर किए हैं 2 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट का पोस्ट है 34, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आपका सेम है, 2 साल का प्लस टू साइंस के बाद 2 साल का आपका डेंटल जो हाइजीनिस्ट का कोर्स किए होंगे। हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन में आपका 10 पोस्ट है, यहाँ पे प्लस टू साइंस आपका बोला है प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस टेक्नोलॉजी 2 साल का जो है। मेडिकल फिजिसिस्ट में 2 पोस्ट है, बैचलर ऑफ साइंस विथ फिजिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल फिजिक्स 2 साल का आपका जो कोर्स है आप किए होंगे। एमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नीशियन में 10 पोस्ट है, यहाँ पे XII साइंस बोला है, प्लस 2 ईयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फॉरेंसिक एनालिस्ट साइंटिस्ट में आपका 6 पोस्ट है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस बोला है। इसके बाद दोस्तों ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट में 6 पोस्ट है और यहाँ पे आपका बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी जो होता है वो कोर्स आपको किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर में 4 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी यहाँ पे चाहिए। इसके बाद दोस्तों VBDC असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, यहाँ पे क्लास XII साइंस बोला है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन वेक्टर बोर्न डिजीज सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके यहाँ होते अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में आपका प्लस टू साइंस और 2 साल का जो डिप्लोमा है किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एडुकेटर में यहाँ का ग्रेजुएशन यहाँ पे बोला है और मिनिमम जो यूनिवर्सिटी किए होंगे विथ मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन अगर किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो PG डिप्लोमा इन हेल्थ जो है हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस विथ मिनिमम डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन 3 पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में आपका डिप्लोमा इन फार्मासी चाहिए, 21 पोस्ट है। रेडियोथेरेपी में आपका 2 पोस्ट है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोथेरेपी बोला है। इसके बाद दोस्तों रेडियोग्राफर सीटी स्कैन जो है इस सब में आपका 30 पोस्ट है और यहाँ पे आपका क्लास XII साइंस प्लस 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन में सेम आपका क्वालिफिकेशन, प्लस टू साइंस प्लस 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। और ऑप्टोमेट्रिस्ट का पोस्ट है 5, यहाँ पे भी आपका PSC इन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है BC अगर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सर्न सब्जेक्ट में। ऑर्थोपेडिशन में भी BSc ऑर्थो 3 पोस्ट है और लेफ्ट टेक्नीशियन में 8 पोस्ट है, BSc जो ऑर्थोपेडिक्स जो का कोर्स रहता है उसी में किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन में ऑर्थो डिपार्टमेंट में 17 पोस्ट है, प्लस टू साइंस प्लस 2 ईयर्स का डिप्लोमा। ईजी टेक्नीशियन में आपका प्लस टू साइंस बोला है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा। इसके बाद दोस्तों जो जूनियर एंटोमोलॉजिस्ट का 2 पोस्ट है BSc, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में आपका 9 पोस्ट है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जूनियर डाइटिशियन में आपका बैचलर ऑफ साइंस जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में। साइकोलॉजिस्ट में आपका मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। न्यूट्रिशन में आपका जो है बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस आपके यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटा पोस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग डिवीजन का है, प्लस टू साइंस प्लस अगर आप डिप्लोमा किए हैं कॉन्फर्म सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन में, इसका जो वेबसाइट है 5/4/2019 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो अलग अलग डिवीजन में है अलग अलग क्वालिफिकेशन है तो आपका क्वालिफिकेशन हिसाब से मैच करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।